गोंदिया जिले के नागरा में प्रसिद्ध प्राचीन पंचमुखी मंदिर 270 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर में शिव शंकर पिंडी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। महाशिवरात्रि के मौके पर नागरा के इस मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन के लिए रात 12 बजे से ही भक्त कतार में लगे हुए हैं। वहीं महिला दिवस के मौके पर महिलाएं भी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जुटी हैं। दर्शन के लिए भक्त कतार में लगे हुए हैं। आज रात 12 बजे से मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर में भक्तों को प्रवेश नहीं दिया गया है और भक्त दूर से ही पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से भक्त हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर के मूल में स्थित शिवलिंग के दर्शन के लिए इस नगर धाम मंदिर में आते हैं। साथ ही पूरा इलाका बम बम भोले और हर हर महादेव की आवाज से गूंज रहा है। दर्शन के लिए भक्त कतार में लगे हुए हैं। आज रात 12 बजे से मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि भक्तों को मुख्य भाग में प्रवेश की अनुमति नहीं है और भक्त दूर से ही पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन करे हैं। गोंदिया का यह नागरधाम मंदिर पत्थर से बना है। इस मंदिर का निर्माण अत्यंत आकर्षक है, यही इस मंदिर की विशेषता है। इस मंदिर का इतिहास गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण मासिक 1951 पुस्तिका में भी वर्णित है। इसी वजह से यह मंदिर 270 साल पुराना है, जिसे पता चलता है कि यह मंदिर कितना प्राचीन है। सभी महिलाओं को हार्दिक शुभेच्छा शिवरात्रि की और महिला दिवस की। और जिस जगह हम अभी खड़े हुए हैं, ये नागरा का सुप्रसिद्ध मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, लोग आते हैं और बड़ी संख्या में लोग आते हैं बाहर से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और आज हम भी आए हैं गोंदिया से, और यहाँ पे आने के बाद ऐसा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। आज नागरा धाम जो मंदिर जो है, खूब प्राचीन मंदिर है, 270 वर्ष पुराना मंदिर है। त्यामध्ये आज जे भाविक आहे त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये महाशिवरात्रीचे जे पावन पर्व आहे त्यामध्ये रात्री 12 वाजतापासूनच ते गर्दी केलेली आहे आणि सर्व भाविक शांतपणाने रांगेमध्ये श्रद्धालुपणाने आपले जे आहे ते रांगेमध्ये देवदर्शन करत आहे। छत्तीसगड मध्य प्रदेशचे जे लोक आहेत ते सुद्धा या बॉर्डरमध्ये राहण्यामध्ये लोक येत आहेत आणि भोले बाबा जे आहेत ते सर्वांची मनोकामना पूर्ण करतात। दादा, मी वाकाटी कारण एक हिमाडपंथी मंदिर आहे आणि मागच्या कितीक वर्षापासून इथे भाविकांची प्रचंड गर्दी जमत असते आणि या गर्दीसाठी मॅनेजमेंट यासाठी आम्ही जे मॅनेजमेंट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आम्ही 4 शिफ्ट तयार केल्या, ज्याच्यामध्ये 12 ते 6 आणि याच्यानंतर दर 6-7 तासाची शिफ्ट असते। त्याच्यामध्ये दर शिफ्टमध्ये आमचे 30-30 स्वयंसेवक असतात आणि ही 30 स्वयंसेवक पूर्ण त्या शिफ्टमध्ये गर्दीला मॅनेज करण्याचं काम करतात, जेणेकरून इथं भाविकांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होईल। इनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।